नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेस में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि फॉर्म जब भरे जाते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ और कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। उनके सुधार के लिए जो मौका मिलता है, यानी करेक्शन विंडो जो ओपन होती है, वो कब ओपन होगी, कब से कब तक रहेगी, तो आइए इसी मुद्दे पर इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसका प्रोस्पेक्टस है, उसमें डेट्स मेंशन की गई हैं और आप सभी लोगों ने पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन किया, जो कि डेट इसकी 16 तारीख लास्ट डेट है। आप सभी लोग जानते हैं ये बेसिक रजिस्ट्रेशन इसमें किया गया। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है, उसके बाद आपने इसमें स्टार्ट कर दिया, साथ में ही इसका जो है फाइनल स्टेटस भी जो होता है, वो भी साथ ही साथ में पैरेलल यहाँ पर चल रहा था। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक साथ में आप काम जो कर रहे हैं वो जनरेशन ऑफ कोड और जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फीस पेमेंट भी हो रही है। अब अगर कोई त्रुटि आप में रह गई है, जो चीज़ें हैं वो आप देखिए यहाँ पर, ये 18 तारीख बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। 18 तारीख से 18 तारीख को आपको एक स्टेटस दिखेगा, आपको चेक करना होगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ बेसिक रजिस्ट्रेशन। 18 मार्च को आप इसे चेक करेंगे, तभी जो करेक्शन होगा, यानी जो कमियां होंगी वो आपको वहां पर मेंशन हो जाएंगी। उन कमियों को आप 18 से 20 मार्च के बीच में दूर कर पाएंगे। तो यहां पर जो है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो डेट दी गई है करेक्शन की, जो करेक्शन ऑफ डिफिशेंसीज रहेंगी, जो कमियां रहती हैं आपकी, वो 18 मार्च से 20 मार्च, यानी 3 दिन आपको मौका दिया जाएगा। और उसके बाद फाइनल स्टेटस जो एक्सेप्टेंस का है, वो 21 तारीख को अपडेट कर दिया जाएगा कि यानी आपने जो कमियां थी वो सुधार ली कि नहीं सुधार ली, वो आप 21 तारीख को आपको बता दिया जाएगा। यानी फिर उसके बाद आप में जो कमियां नहीं हैं वो सब फाइनली हो जाएगा और आगे की तरफ वो चीज़ें मूव कर जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो 18 से 20 मार्च तक आप इसे जो है दूर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।